नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का कौन सा अंग कितने घंटे के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए जिसे उस अंग की जरूरत है ताकि उसे एक नई जिंदगी मिल सके। दोस्तों, किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसके शरीर के कुछ खास अंग कई घंटों तक जीवित रहते हैं या फिर आप कह सकते हैं वे इस काबिल होते हैं कि उन्हें यदि किसी और व्यक्ति के शरीर में लगाया जाए तो फिर से वे जीवन देने का काम करते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर में सबसे कम समय तक आंखें और सबसे अधिक समय तक किडनी इस लायक होते हैं कि उन्हें किसी और के शरीर में बहुत ही आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जिनके दिमाग की काम करने की क्षमता कम होती है या फिर वे किसी ऐसे रोग से ग्रसित होते हैं जो कि लाइलाज है, वे लोग अपने अंगों का दान नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के शरीर में किसी भी अंग को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। इसके साथ ही इबोला वायरस, एक्टिव कैंसर और एचआईवी इन्फेक्टेड लोगों के ऑर्गन को किसी व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है क्योंकि ये बीमारियां डोनर के शरीर की संक्रमित कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में भी जा सकती हैं जिसके शरीर में इन अंगों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसने अपनी मृत्यु से पहले अपने शरीर के अंगों को दान करने के लिए फॉर्म भरा हुआ होता है या फिर किसी व्यक्ति का परिवार उसकी मृत्यु के बाद यदि अंग दान करना चाहता है तो वे इस बारे में जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को बता सकते हैं क्योंकि मृत्यु के बाद अलग अलग अंगों को एक निश्चित समय के अंदर ही मृतक के शरीर से निकालकर जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करना होता है। दोस्तों, चलिए अब ये जान लेते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का कौन सा अंग कितने घंटे के अंदर जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। नंबर वन, हार्ट। हार्ट को 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। नंबर टू, लंग। लंग को भी 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। नंबर थ्री, किडनी। किडनी को आप 48 से 72 घंटे तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नंबर फोर, लीवर। लीवर को आप 12 से 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नंबर फाइव, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को आप 12 से 18 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नंबर सिक्स, आंत। छोटी आंत हो या फिर बड़ी आंत हो, दोनों आंतों को आप 6 से 12 घंटे के अंदर बहुत ही आसानी से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर सेवन, आंखें। आंखों को मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। आंखों से कॉर्निया और आई बॉल जैसे पार्ट लिए जाते हैं और ऐसा नहीं है एक व्यक्ति की आंखें सिर्फ एक ही व्यक्ति की रोशनी दे सकती हैं, बल्कि एक व्यक्ति के कॉर्निया से 3 से 4 लोगों की जिंदगी को रोशन किया जा सकता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं फैक्ट की। क्या आपको पता है जो लोग अपने शरीर पर टैटू गुदवा लेते हैं वे ब्लड डोनर नहीं बन सकते? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर टैटू गुदवा लेता है तो वो ब्लड डोनर नहीं बन सकता, यानी कि जरूरत पड़ने पर किसी को अपना रक्त दान नहीं कर सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।